आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने गूगल बिजनेस लिस्टिंग को कैसे मोबाइल के थ्रू उसे एडिट और मैनेज कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोकल बिजनेस ऑनर होते हैं जो कि अपने गूगल बिजनेस लिस्टिंग को मोबाइल से मैनेज करते हैं, लेकिन आज के वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं कि आप अपने लोकल लिस्टिंग को ऐप के थ्रू नहीं बल्कि आप गूगल सर्च और गूगल मैप के थ्रू कैसे उसे मैनेज कर पाएंगे। क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले गूगल का एक न्यूज़ आया था कि कुछ टाइम बाद गूगल का जो ऐप है वो बंद हो जाएगा, तो इसलिए गूगल ने एक नया फीचर लॉन्च किया है कि अब से आप अपने लोकल लिस्टिंग को गूगल सर्च पे ही और गूगल मैप के थ्रू ही उसे मैनेज कर पाएंगे। इसलिए आपके लिए सीखना ज़रूरी है कि अब से आप अपने लोकल लिस्टिंग को गूगल सर्च और गूगल मैप पे कैसे मोबाइल के थ्रू से मैनेज कर सकते हैं। इसकी पहले मैंने एक वीडियो बनाया है कि अगर आप चाहते हैं कि अपने लोकल लिस्टिंग को गूगल सर्च और गूगल मैप पे डेस्कटॉप के थ्रू मैनेज करना, तो उस पर मैंने वीडियो बनाया है, लिंक आई बटन मिलेगा, जाके आप उसे देख सकते हैं। लेकिन अगर आप मोबाइल के थ्रू मैनेज करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कैसे मोबाइल के थ्रू गूगल बिजनेस प्रोफाइल के फीचर को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। सबसे पहले आपको काम करना है कि आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पे गूगल मैप को ओपन कर लेना होगा, और ये ध्यान रखना है कि आपका जीमेल आईडी लॉगिन होना चाहिए, जिस जीमेल आईडी से आपने लिस्टिंग को क्रिएट किया है। उसके बाद आपको काम करना है कि अपने बिजनेस का नाम आप इस पर सर्च भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपके बिजनेस का नाम आपने सर्च किया, लिस्टिंग का नाम नहीं याद है, तो आपको अपने जीमेल आईडी यहाँ पे लॉगिन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको काम करना है, जीमेल आईडी के आइकन पे क्लिक करना होगा और यहाँ से योर बिजनेस प्रोफाइल आपको शो कर रहा है थर्ड नंबर, इस पर आपको क्लिक करना है। इस तरीके से आपका लिस्टिंग ओपन हो जाता है। जैसे ही हम यहाँ पे स्क्रॉल करके आते हैं, ऊपर में आपको ओवरव्यू का ऑप्शन शो कर रहा है, आपके बिजनेस से रिलेटेड सारे डिटेल शो कर रहा है, आपके बिजनेस को एडिट करने का, प्रमोट करने का और कस्टमर से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। यहाँ नीचे में स्क्रॉल करेंगे तो आपके बिजनेस लिस्टिंग से रिलेटेड कुछ अपडेट आपको डिस्प्ले होगा। अब हम काम करते हैं, अपने ओवरव्यू में जाते हैं और यहाँ से हमको अपने बिजनेस लिस्टिंग को एडिट कैसे करना है और प्रमोट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं, ठीक है। तो आपको अपने बिजनेस लिस्टिंग को एडिट और मैनेज करने के लिए एडिट पे क्लिक करना होगा, मिल जाता है ऊपर में, आप देख पा रहे हो बिजनेस इन्फॉर्मेशन आपको डिस्प्ले हो रहा है। बिजनेस इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे, बिजनेस इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करने के बाद सबसे पहला ऑप्शन आपके बिजनेस रिलेटेड नेम शो कर रहा है। आप अपने बिजनेस रिलेटेड नेम पे अगर कुछ भी चेंजेस करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बोलूँगी जो आपने नेम अपडेट किया है उसको बार बार आप चेंजेस ना करें। उसके बाद नीचे में आपको बिजनेस कैटेगरी शो कर रहा है, आपके बिजनेस रिलेटेड अगर कैटेगरी ऐड करना चाहते हैं तो बस आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद ऐड अनदर कैटेगरी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर आप टाइप करेंगे तो आपको कैटेगरी सजेस्ट में मल्टीपल शो करेगा। उसके बाद आप यहां से ऐड करके इसे सेव कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहां पे आपको शो कर रहा है आपके बिजनेस रिलेटेड डिस्क्रिप्शन है, अबाउट अस लिखना चाहते हैं तो अब बस आपको इस पर क्लिक करना है, यहां से आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके बिजनेस का ओपनिंग डेट यहां पे डिस्प्ले हो रहा है, अगर आप अपने बिजनेस का ओपनिंग डेट मेंशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। बस आपको अपने बिजनेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को एडिट करने के लिए सिंपली उस पर बस क्लिक करना होगा, वो एडिट ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप डिटेल को वहाँ से फिल कर सकते हैं कि बिजनेस का अगर फ़ोन नंबर देना चाहते हैं फ़ोन नंबर मेंशन कर सकते हैं, आपके बिजनेस का वेबसाइट यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, आप अपने बिजनेस का वेबसाइट मेंशन कर सकते हैं, आपके बिजनेस का लोकेशन यहाँ पर है, ठीक है। आप अपने बिजनेस के लोकेशन को मैनेज करने पे सिंपली इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपने बिजनेस कंप्लीट यहाँ पे एड्रेस मेंशन कर देना है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप एड्रेस मेंशन कर रहे हैं आपको एग्जैक्टली ये सही से पिन पॉइंट होना चाहिए आपके लोकेशन का, ठीक है। आप यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हैं, इसको जूम कर सकते हैं, ठीक है। एडजस्ट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाता है, ये जूम होने लगेगा, तो सही से आप इसको पिन पॉइंट कर लेंगे कि आपका लोकेशन कहाँ पर है। उसके बाद इसे आप सेव कर देंगे, ठीक है। यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके बिजनेस रिलेटेड सर्विस एरिया। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप अपने बिजनेस लिस्टिंग में एड्रेस मेंशन कर रहे हैं तो आप अपने बिजनेस लिस्टिंग में सर्विस एरिया को मेंशन नहीं कीजिए, क्योंकि आपके बिजनेस एड्रेस के थ्रू गूगल आपके नियर बाई कस्टमर को आपका लिस्टिंग डिस्प्ले ज़रूर करवाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ पे आपके बिजनेस का ओपनिंग और क्लोजिंग आवर। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपका ओपनिंग विथ मेन आवर, अगर आप मेन आवर चूज़ करते हैं तो मेन आवर में जो आप मंडे ट्यूसडे में आपने टाइमिंग मेंशन किया है वो उस टाइमिंग में यहाँ पे डिस्प्ले होगा, लेकिन आप चाहते हैं कि आपका मेन आवर जो है वो ओपन ना हो, कोई आप स्पेशल आवर मेंशन करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। या फिर उसके बाद आपको यहाँ पे डायरेक्ट अब ऑप्शन मिलता है कि अगर आप चाहते हैं कि अपने बिजनेस को टेम्प्रोरी क्लोज करना तो सिंपली आपको उस पर बस क्लिक करना होगा। उसके बाद आप अपने बिजनेस को टेम्प्रोरी क्लोज या परमानेंट क्लोज करना चाहते हैं तो उस पर बस आपको सिंपली क्लिक करके सेव कर देना होगा,
ठीक है। यहाँ से आप अपने बिजनेस का आवर मेंशन कर सकते हैं, आपके बिजनेस का ओपनिंग और क्लोजिंग आवर क्या है। उसके बाद नीचे में आपको सिंपली जाना है और सेव का आपको ऑप्शन मिलेगा, उसके बाद आपको सेव कर देना है, ठीक है। और यहाँ नीचे में आपको ऑप्शन मिलता है कोई भी एडिशनल आवर आप मेंशन करना चाहते हैं, जैसे कि आपका कोई ब्रेकफास्ट का टाइमिंग है, लंच का है टाइमिंग है, या कोई भी स्पेशल आवर है जिस टाइम में आपको लगता है कि आप मेंशन करना चाहते हैं लंच टाइमिंग को, बस सिंपली आपको इस पर क्लिक करना होगा लंच टाइमिंग पे मेंशन करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे आप हर एक दिन के हिसाब से अपने लंच आवर को मेंशन कर सकते हैं, या फिर पर्टिकुलर आपका एक कोई टाइमिंग है लंच का, एक से मान लीजिए 2 बजे तक, वो आप यहाँ पे मेंशन करके सेव कर सकते हैं। तो उस टाइम गूगल आपके कस्टमर को डिस्प्ले करेगा कि उनका लंच टाइम चल रहा है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, आप अपने बिजनेस रिलेटेड एट्रीब्यूट मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। बस सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है, जैसे कि व्हीलचेयर एक्सेस है तो आप वो दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे डिटेल आप बस यहाँ से ऐड करते जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे एट्रीब्यूट मेंशन करने के लिए आता है हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड, तो ये बेसिकली कोविड के बाद मैंडेटरी हो गया है, कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड हो गया है, तो आप यहाँ पे उसे जैसे कि यहाँ पे अपॉइंटमेंट रिक्वायर्ड है या नहीं है तो नो पे क्लिक कर देंगे। अगर टेम्परेचर चेक होता होगा तो आप यस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो आप नो पे क्लिक करके उसे सेव कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, उसके बाद सर्विस ऑप्शन आपको यहाँ पे शो कर रहा है, क्या आप ऑनलाइन भी अपॉइंटमेंट लेते हैं या फिर ऑनलाइन ऑफर अपॉइंटमेंट प्रोवाइड करते हैं, तो आप यहाँ पे करते होंगे तो यस चूज़ करके, नहीं तो आप नो चूज़ करके इसे सेव कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये आपका बिजनेस इन्फॉर्मेशन हो गया। अगर आप अपने बिजनेस रिलेटेड सर्विस ऐड करना चाहते हैं तो सिंपली आपको सर्विस पर क्लिक करना होगा। आपको सिंपली काम करना है कि यहाँ पे आपका बिजनेस का जो प्राइमरी कैटेगरी होगा वो डिस्प्ले होगा, ठीक है। और एडिशनल ऐड करने के लिए आपको ऐड अनदर बिजनेस कैटेगरी यहाँ पे चूज़ करने का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ से आप कोई अनदर बिजनेस कैटेगरी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पे टाइप करते जाएंगे, आपको ऑटो सजेस्ट में मल्टीपल कैटेगरी डिस्प्ले हो जाएगा, तो आप अपने कैटेगरी को यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप सेव पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे आपके बिजनेस रिलेटेड फ़ोटो ऐड करने का, तो आप यहाँ से अपने बिजनेस रिलेटेड फ़ोटो भी ऐड कर सकते हैं। सिंपली आपके फ़ोन का जो भी फ़ोटो होगा वो ओपन हो जाएगा, नहीं तो कैमरा क्लिक के थ्रू भी यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कि कैमरा के थ्रू आप डायरेक्ट फ़ोटो क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन मिलता है प्रमोट करने का, ठीक है। प्रमोट पे जैसे हम क्लिक करते हैं, आप अपने बिजनेस रिलेटेड यहाँ पे परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, आपका बिजनेस 1 मंथ में कैसा परफॉर्म किया, कितने लोगों ने उसे विजिट किया, कितना कॉल्स आया, कितना मैसेज आया, कितना बुकिंग हुआ, कितने लोग आपके लिस्टिंग पे विजिट किए हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। जो ऊपर में आपको टाइम पीरियड आपको शो कर रहा है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे मुझे नवंबर टू अप्रैल तक का डिटेल शो कर रहा है, अगर आप चाहते हैं कि मार्च से अप्रैल तक का देखना तो आप सिंपली मैं फरवरी से भी चूज़ करके फिर अप्रैल तक देखना चाहती हूँ तो मैं अप्लाई पर क्लिक करती हूँ। इस तरीके से आप डेट वाइज भी यहाँ पर मंथ वाइज चीज़ें को डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। ऐड अपडेट पर क्लिक करेंगे, आप अपने बिजनेस रिलेटेड पोस्ट जो है यहाँ से अपडेट कर सकते हैं मल्टीपल। आपको सिंपली काम करना है, फोटो चूज़ करना है, उसके बाद यहाँ पे अपने बिजनेस रिलेटेड डिटेल को मेंशन करना है और यहाँ से आप बटन को चूज़ कर लेंगे, जो भी बटन आप ऐड करना चाहते हैं। कॉल नाउ का हम बटन चूज़ कर लेते हैं, तो आप अपने बिजनेस रिलेटेड पोस्ट को यहाँ से पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। आपके बिजनेस रिलेटेड कोई भी ऑफ़र है तो आप ऑफ़र पे यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सेम यही चीज़ आपको जो पोस्ट में वहाँ पे पहले ऑप्शन मिलता था, टाइटल क्या है, ऑफ़र का टाइम ड्यूरेशन क्या होगा, मतलब किस टाइम से लेके किस टाइम तक ऑफ़र आपका रहेगा, रनिंग होगा। तो यहाँ पे आप कोई भी ऑफ़र दे रहे हैं तो उसके बारे में डिटेल लिख सकते हैं। उसके बाद कोई भी कूपन कोड है तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। रिडीम्शन का कोई लिंक है तो आप दे सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन है तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली ये सारे चीज़ें डिटेल फिल करने के बाद, ठीक है, आपको पब्लिश पे क्लिक करना होगा तो आपका ऑफ़र पब्लिश हो जाएगा आपके लिस्टिंग में। तो हमें यहाँ पे मिलता है कस्टमर का टैब, ठीक है। तो कस्टमर के हम टैब पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मुझे कस्टमर ऑप्शन में रिव्यू मैसेज और Q&A का ऑप्शन मिल जाता है, तो हम रिव्यू को चेक कर लेते हैं। आप अपने बिजनेस से सारे रिव्यू यहाँ से देख सकते हैं और रिप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको ऑप्शन मिलता है मैसेज के रिलेटेड, यानी कि आप अपने बिजनेस से सारे मैसेज को यहाँ से चेक कर सकते हैं और उनको रिप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपको ऑप्शन मिलता है आपके बिजनेस रिलेटेड Q&A का। आप यहाँ से कोई भी कस्टमर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो यहाँ से आप उनको आंसर कर सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से 3 टैब आपको मिलता है आपको अपने बिजनेस लिस्टिंग को मैनेज करने के लिए और एडिट करने के लिए। आप अपने बिजनेस रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन को फ़ोन से ही मैनेज कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी आप ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी जान पाए कि कैसे अपने लोकल लिस्टिंग को मोबाइल के थ्रू मैनेज कर सकते हैं।
और कुछ भी लिखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।